भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने कसी कमर, चार राज्य नहीं है शामिल, आज रेल और बस सेवाएं बंद रहेंगी, रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे। दिल्ली में पानी की कम आपूर्ति पर हरियाणा पंजाब को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोरोना के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर आज बांग्लादेश पहुंचे मोदी, बांग्लादेश के साथ साझेदारी पड़ोसी प्रथम नीति का अहम हिस्सा। 24 घंटे में 59,070 नए केस आए सामने, बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा आए केस। देश में अब तक 1,18,46,082 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। राजधानी में लुढ़के पारे ने गर्मी से दिलाई राहत, अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे लुढ़क गया और न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया। किसानों के भारत बंद को राहुल गांधी का समर्थन, कहा सत्याग्रह से ही होता है अन्याय का अंत, बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। सचिन बाजे 3 अप्रैल तक कस्टडी में, NIA का दावा, सचिन बाजे के घर से 62 कारतूस मिले, बाजे बोले मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा। उत्तर प्रदेश ने दी सौगात, दिल्ली टुंडला के बीच विशेष ट्रेन 7 अप्रैल से चलेगी, कश्मीर घाटी से चलेगी अनारक्षित स्पेशल। निकिता के हत्यारों की सजा पर आज आ सकता है फैसला, परिजनों की मांग दोषियों को मिले सख्त सजा। इमरान खान ने किया कोविड नियमों का उल्लंघन, पॉजिटिव होने के बावजूद मीटिंग में हुए शामिल, इमरान की नासमझी का खुलासा खुद उनके सूचना एवं प्रसारण मंत्री शिबली फराज ने किया।